ये सब मनुवादी है, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसीलिए बहन जी ने कहा हम अपनी ताकत पे लड़ेंगे, अपने वोट पे लड़ेंगे, क्योंकि बहुजन सत्ता तभी बनेगी जब बहुजन नेतृत्व होगा, बहुजन विचार होगा, बहुजन क्रांति होगी। इस देश को कांग्रेस ने बेचा, अब बीजेपी बेच रही है। हमारा रिजर्वेशन संविधान पहले कांग्रेस ने खत्म किया, अब बीजेपी कर रही है। बहन जी ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया, हम उनके साथ हैं। देखिए झटका नहीं, वो तो लटके झटके लगाते रहते हैं, राजनीतिक साजिश है और उनकी चाह है, कभी इधर कभी उधर। जीत हार से किसी के अस्तित्व का पता नहीं चलता, जमीन पे पता चलता है कि जमीन पर कौन है, और जमीन पर बहन कुमारी मायावती है। ये उन संसाधनों को प्रतीकात्मक काम करते हैं, वही इनके लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं। और इसीलिए ये विचारधारा मनुवादी विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसको संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारी इनके खिलाफ लड़ाई है। आप हमारी शिक्षा छीन रहे हो, आप हमारी नौकरी छीन रहे हो, आप हमारा बजट छीन रहे हो, आप हमारे वोट की आजादी का अधिकार, जिससे कि मैं सरकार बनाता हूँ, उसको तुम छीन रहे हो ईवीएम से। ये चोर सत्ताधारियों सुनो, इस चोर मशीन को हटाओ और हमारा बैलेट पेपर लाओ, मुझे मेरे वोट की गारंटी चाहिए। गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं, अखिलेश यादव अलग, मायावती जी अलग, नीतीश कुमार वहाँ चले गए हैं। देखिए पॉलिटिकल ये गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं। एनडीए से बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, और ये इंडिया गठबंधन बना है, इसमें अभी नया बना है, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे। और जहाँ तक बहन जी की बात है, बहन जी ने अपनी लड़ाई, हमारा बहुजन मूवमेंट अपना है, ये सब मनुवादी है, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसीलिए बहन जी ने कहा हम अपनी ताकत पे लड़ेंगे, अपने वोट पे लड़ेंगे, क्योंकि बहुजन सत्ता तभी बनेगी जब बहुजन नेतृत्व होगा, बहुजन विचार होगा, बहुजन क्रांति होगी, तभी होगी। ये मनुवादियों के साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं, इनके सबके विरुद्ध लड़ाई है। आज इस देश की राष्ट्रपति ने संसद के अंदर वही कह दिया जो 1992 ने कांग्रेस में कहा था कि निजीकरण लाओ, उन्होंने कह दिया हमें लालाओं पे विश्वास है, मतलब बेच दो पूरा देश। इस देश को कांग्रेस ने बेचा, अब बीजेपी बेच रही है। हमारा रिजर्वेशन संविधान पहले कांग्रेस ने खत्म किया, अब बीजेपी कर रही है। बहन जी ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया, हम उनके साथ हैं। लगता है कि चुनाव में क्या प्रदर्शन होगा? नहीं अच्छा, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, किसी का नहीं होगा अस्तित्व, अभी चालू हुआ, अभी तो जमा है, अभी तो लोग जुट रहे हैं, अभी तो हम जैसे लोग खड़े हुए हैं। बहुजन मूवमेंट इस देश में सत्ता पे आएगा और बहुत जरूरी आएगा, उसकी अपनी लड़ाई है, अपनी जड़े, अपना कैडर है, अपना विचार है, और हमारी अपनी अपना अपना रास्ता है। हमें सत्ता पे पहुंचना है, भारत पे, भारत को बहुजन सत्ता स्थापित करनी है, और वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही हो। अभी नीतीश कुमार ने झटका दिया, कैसे देखें? देखिए झटका नहीं, वो तो लटके झटके लगाते रहते हैं, राजनीतिक साजिश है और उनकी चाह है, कभी इधर कभी उधर। पिछले 9 बार से तकरीबन 18 वर्षों से वही आदमी वहाँ का मुख्यमंत्री है, और वहाँ के मैंडेट का अपमान है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी RJD है, दूसरी पार्टी BJP है, और ये तीसरे नंबर की पार्टी बार बार वहाँ लोग आरक्षण बढ़ाया, जब जाति जनगणना कराई तब तो बहुत खुश हो रहे थे, अभी कह रहे हैं कि वो पलटू है। नहीं इसलिए तो भाग गए, क्योंकि उनको कह दिया तूने जाति जनगणना कराई है, बीजेपी ने कहा कि तुम्हें ED भेज देंगे, तो वो भाग गए, भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा भैया छोड़ो जाति जनगणना वगैरह, वो भाग खड़े हुए, कह जी हम तो आगे मोदी की शरण में पहुंच गए। लेकिन लड़ाका है, देखो लड़ रहा है, तेजस्वी लड़ रहा है, लालू जी लड़ रहे हैं, वो इनके ED PD से नहीं डरते जा रहे हैं वहां पर। तो जी लड़ाई तो होगी, जमके होगी, अस्तित्व खत्म किसका होगा ये तो आने वाला टाइम। देखो चुनावों में जीत हार से किसी का अस्तित्व का पता नहीं चलता, जमीन पे पता चलता है कि जमीन पर कौन है, और जमीन पर बहन कुमारी मायावती है। आप बस बहुजन बहुजन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी तो आपके पिच पे खेल रही है ना? नहीं नहीं, कौन कह रहा है हमारे पिच पे खेल रही है? क्यों आदिवासी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया, OBC कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, आपके पिच पे होगी? देखिए जब वो चुनाव जब वो लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री थे, उनका मूवमेंट चल रहा था, तब यही लोग कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करते थे। ऐसे तो इन्होंने बाबा साहब का कई मूर्तियां बनाई हैं, कई संग्रहालय ठीक कर दिए, तो इसका मतलब क्या कि इनका विचारधारा एक प्रतीक, जहां पर ये एक तरफ ये उन संसाधनों को प्रतीकात्मक काम करते हैं, वहीं इनके लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं, वहीं पर इनके लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ हमारा आरक्षण खत्म करते हैं। तो इनके प्रतीकात्मक तरीके को हमें पहचान करके उस पे नहीं जाना है, हमें देखना है कि काम क्या कर रहे हैं। हमारा बजट, हमारा संविधान, हमारा आरक्षण ये खत्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें उसको देखना है। और इसीलिए ये विचारधारा मनुवादी विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसको संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारी इनके खिलाफ लड़ाई है। और बहन कुमारी मायावती इनको इनको हरा सकती है, उसके अलावा कोई शक्ति नहीं है। बार बार कहा गया कि देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चल रहा है,
तो आप लोग क्यों माहौल बनाते हैं संविधान खतरे में? क्योंकि देखो, इन्होंने मोदी जी ने संसद के आकर जब पहले सांसद बने तो संसद के पुरानी संसद के वहां के माता टेका उसके बेचारे को ठिकाने लगा दिया। इन्होंने आकर के कहा कि भैया तिरंगा यात्रा, तिरंगा घर घर तिरंगा, और एक साल बाद ही इन्होंने तिरंगे को ठिकाने लगा करके घर घर भगवा कर दिया। और अब इनको इनकी कथनी करनी में फर्क होता है, इसीलिए ये जो कहते हैं कि संविधान से चलेगा, समझ लो इनका संविधान मनुस्मृति चलेगा। कभी इन्होंने ये नहीं कहा, ये कहते हैं संविधान से चलेगा, लेकिन कौन से संविधान से ला रहे हो भाई? मनुस्मृति का संविधान चला रहे हैं। मोदी जी ने या आरएसएस बीजेपी वालों ने कभी नहीं कहा कि ये भारत के संविधान से अर्थात बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये कहते हैं संविधान से चलेगा, तो संविधान तो मनु का भी है भाई। आप मनुस्मृति थोप रहे हो इस देश पे, शिक्षा बेच रहे हो, नई शिक्षा नीति ला करके आपने शिक्षा बेच दी, सब प्राइवेट कर रहे हो, सबको बेच बाज के बराबर कर रहे हो, और निजीकरण करके हमारे सारे अधिकार खत्म कर रहे हो। इसका मतलब कि आप मनुस्मृति ला रहे हो और कांग्रेस उसमें बराबर की भागीदारी। जब बीजेपी आपको सम्मान दे रही है तो सम्मान हजम क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ सम्मान दे रही है? ये सम्मान दे रही है कि हमारे वो लोगों को पीट रही है, मूछे रखने पर, घोड़ी पे चढ़ने पे पीट रही है, पेशाब कर रही है हमारे लोगों के ऊपर, वो इस तरह के सम्मान दे रहे हैं? आप हमारी शिक्षा छीन रहे हो, आप हमारी नौकरी छीन रहे हो, आप हमारा बजट छीन रहे हो, आप हमारे वोट की आजादी का अधिकार, जिससे कि मैं सरकार बनाता हूँ, उसको तुम छीन रहे हो ईवीएम से, तो तुम क्या सम्मान दे रहे हो? ये झूठे सम्मान नहीं चाहिए भाई। हमारा संविधान, भारत का संविधान लागू करो, बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान उसको लागू करो, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर देखेंगे कि तुम में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितने इस देश के लोग तुम्हें मानते हैं। ज्ञानी जी, आपने ईवीएम की बात की, लेकिन सवाल ये उठता है कि बैलेट पेपर के टाइम उसकी भी चोरी के इल्जाम लगते थे, आरोप लगते थे। देखिए, चोरी के इल्जाम अलग बात है, ऐसे तो ईवीएम भी लुट जाती है, लेकिन ये ईवीएम में बदल लेते हैं, वहाँ जो बैलेट पेपर बसते हैं उन बैलेट पेपर पे बदल नहीं सकते। अगर एक भी उंगली लगाएंगे तो अमान्य हो जाएंगे वोट, लेकिन ये मशीन में मशीन की मशीन बदल के सारे वोट अपने डाल लेते हैं। एक मशीन तो ऐसी निकली पिछली बार जिसमें कि एक बूथ पर 1000 वोट होते हैं, उसमें 1100 निकले। भाई 100 वोट कहाँ से पड़ गए फालतू? और एक निर्दलीय रो रहा था बेचारा पंजाब का, कह रहा भैया मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो, मैंने तो अपने आप को वोट डाला था, मेरा वोट कहाँ गया? 0 वोट उसका। ये चोर मशीन, ये चोर सत्ताधारियों, सुनो, इस चोर मशीन को हटाओ और हमारा बैलेट पेपर लाओ। मुझे मेरे वोट की गारंटी चाहिए कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, किसी पार्टी को, निर्दलीय को, कैंडिडेट को, वो गारंटी होनी चाहिए कि मैंने उसी को दिया है, मेरी संतुष्टि होनी चाहिए। वोट का अधिकार इस डेमोक्रेसी में, इस संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है। मुझे मेरे वोट की गारंटी चाहिए, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। उनके काम पर जनता भरोसा कर रही है, आप ईवीएम कर रहे हैं? भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। भाई मैं भी इस देश का नागरिक हूँ ना, मैं कोई चाइना से आया हूँ, मैं आपको कोई जापान का लग रहा हूँ, मैं कोई यूरेनेशिया से आया हूँ, मैं कहाँ का हूँ? मैं भारत का हूँ भाई। मेरे बाप दादे इस धरती को मेहनत करते हुए इस धरती के सम्मान में वो खप गए, और इसलिए मैं भी उनका यहाँ पर वंशज हूँ। मैं बता सकता हूँ पिछले 10 अपनी पीढ़ी का नाम, और ये बताए अपनी 4 पीढ़ी का नाम। मैं चुनौती देता हूँ यूरोनेशिया से आए हुए इन आर्यंस को कि मैं बताता हूँ कि इस देश में मेरे लोगों का, मेरे पूर्वजों के नाम, और तुम बताओ तुम्हारे पूर्वजों के नाम। संविधान मानते हैं कि नहीं? संविधान मानते हैं। भारत का संविधान मनुस्मृति वाला नहीं, भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, दिल्ली में धारा 144 को मानता हूँ। 144 धारा लगी आप लोग उल्लंघन, इसलिए लगाई है भाई। हम चोर हैं, उचक्के हैं, आतंकवादी हैं, हम कौन है भैया? तुमने क्यों लगाई है? हम आज संसद शुरू हुई है, आज संसद का सत्र शुरू हुआ है, और इस जंतर मंतर पे मेरा अधिकार है। मेरे पिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के आर्टिकल 19 में मुझे बोल के गए, मैं शांति प्रिय तरीके से कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी गली में मैं शांति प्रिय तरीके से अपना विरोध कर सकता हूँ। इसलिए मैं आर्टिकल 19 की शक्ति से आया हूँ, बाबा साहब की शक्ति से आया हूँ। तुम जो 144 लगाई हो गैर कानूनी है, मैं भारत के संविधान की शक्तियों का इस्तेमाल करके आज खड़ा हूँ, जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ दो।